हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग नमस्ते सर। गुड इवनिंग, नमस्ते। चलो करें स्टार्ट। यस सर। यस सर। ओके, चलो। तो कुछ फंक्शन के क्वेश्चन और मैंने लिए 2022 के, क्योंकि उस समय पेपर का लेवल काफी थोड़ा सा टफ आया था मैथ का, तो क्वेश्चन कुछ टफ भी थे, अच्छे भी है, तो उनको अटेम्प्ट कर लेंगे, थोड़ी सी हमारी फंक्शन की और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या ट्राई आप लोगों ने सर कर लिया? सी आ रहा है सर। ठीक है, वेरी गुड। देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। कल के नोट्स भेजने रह गए थे, तो कल के और आज के दोनों के कंबाइंड नोट्स मैं आज शेयर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि कल अपन ने सिर्फ थोड़े क्वेश्चन किए थे इसलिए शेयर नहीं किया मैंने। मुझे ये बताओ जो न्यूमरेटर में कॉस इनवर्स के अंदर जो टर्म गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, इसके साथ क्या किया जाएगा सर? x प्लस थ्री x माइनस थ्री में तोड़ देंगे, ऊपर x प्लस x माइनस थ्री का एक फैक्टर है तो उसे कट जाएगा। कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा हूँ, कॉस इनवर्स के अंदर जो टर्म आता है उसके साथ आप क्या करते हैं? सर माइनस वन से वन के बराबर। खत्म बात। ये चीज माइनस वन से वन के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे माइनस वन और वन के बीच में लाई करनी चाहिए, तो यहाँ से दो केस बना लेना। अब इसके फैक्टर वेक्टर अब बना लेना, ऊपर के फैक्टर बनेंगे, नीचे के फैक्टर बनेंगे, देख लेना जो कैंसिल और कैंसिल करते टाइम ध्यान रखना उसको नॉट इक्वल टू जीरो भी लिखना है आपको, ठीक है? ये बेसिक चीजें सब कुछ ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करो कि x square minus 5x plus 6 upon x square minus 9, ये कर देना greater than equal to minus 1, और इधर से ये सेम चीज कर देना less than equal to 1। अब इन दोनों का क्या लोगे? यूनियन के इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि ये भी होना जरूरी है और ये भी होना जरूरी, दोनों में कैसी कंडीशन है? एंड की कंडीशन है, और एंड की कंडीशन में दोनों सोल्यूशन को आप लोग इंटरसेक्शन, तो ये इसका काम हो गया। अब डिनोमिनेटर में एक जो टर्म गिवन है उसका क्या लिखोगे? लॉग के अंदर जो क्वांटिटी होती है पॉजिटिव होनी चाहिए सर, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होनी चाहिए, वेरी गुड। बट ये डिनोमिनेटर में भी तो एक चीज और हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। उसके लिए लॉग के अंदर वाली टर्म किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? सर 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। लॉग वाला टर्म 0 कब होता है? जब वो अंदर वाली क्वांटिटी 1 हो, तो इसको हमको नॉट इक्वल टू 1 करना और ग्रेटर देन 0 करना है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। और ये केस वन, केस टू और केस थ्री, इन तीनों का आप लोगे इंटरसेक्शन, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आप इसका आंसर की मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ घर पे कैलकुलेशन करना, बाकी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स तीनों का इंटरसेक्शन। कभी भी फंक्शन की डोमेन आए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग फंक्शन आए, फाइनल आंसर में हमेशा क्या लोग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कब लेते हैं? जब एंड की कंडीशन हो, और सबका सेटिस्फाई होना जरूरी है ना। ऐसा थोड़ी कि ऊपर वाला सेटिस्फाई करे नीचे वाला सेटिस्फाई ना करे, ऐसे लॉजिक लगाना। क्लियर है? ऊपर को भी सेटिस्फाई करना है, नीचे को भी सेटिस्फाई करना, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो इसलिए अपन क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। क्लियर? ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन। ये सब सारे क्वेश्चन आपके जून अटेम्प्ट के हैं 2022, ठीक है? यहाँ पे बोला फंक्शन एफ एन से आर मतलब इनपुट नेचुरल नंबर, आउटपुट कोडोमेन आपका रियल नंबर, सच दैट गिवन कंडीशन क्या है? f of x plus y equal to twice of fx into fy। तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, x और y को 1 रख लेंगे, x और 2 रख लेंगे। वेरी वेरी गुड। एक मिनट रुको, पहले क्वेश्चन समझते हैं। फॉर x y belongs to natural number, फंक्शन की वैल्यू 1 पे आपको गिवन है, पहले हमेशा गिवन डेटा ध्यान से उतार लेते हैं। और दूसरी चीज, एक्सप्रेशन हमको गिवन है कि समेशन ऑफ f of अल्फा प्लस k, k going from 1 से लेके 10, ठीक है? ये एक्सप्रेशन हम, इसकी वैल्यू हमें कुछ गिवन है, ठीक है? इसकी वैल्यू हमें कुछ गिवन है, और ये वैल्यू निकालने के बाद हमें पता करना कि अल्फा क्या होगा। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। क्या अप्रोच रहेगी बताओ सर? पहले एफएफ 1 और एफएफ 2 निकाल के देखते हैं, एक्स और y की वैल्यू पुट कर करके देख लेंगे। हां, लेकिन देखो यहां पे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो। f ऑफ x प्लस अल्फा प्लस k, ठीक है? अब अल्फा यहां पे मुझे खैर निकालना है, k की वैल्यू जा रही है 1 से लेके 10, मतलब आप k को रखोगे मान लो सबसे पहले 1, फिर रखोगे 2, फिर रखोगे 3, है ना? यस। अच्छा, इस एक्सप्रेशन का यूज सीरीज मिलनी चाहिए ना, इस एक्सप्रेशन से सर एक सीरीज मिलेंगे फिर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, और ध्यान से देखो,
और ध्यान से देखो सर, इसको फंक्शन में रख देते हैं, टू इंटू एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ के, वेरी गुड। हाँ इसकी वैल्यू देखो, ये वैल्यू पर यहाँ पुट अप कर दे एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा की जगह, है ना ये बराबर। इससे फायदा क्या होगा, एक्स प्लस अल्फा की जगह क्या लिख दोगे, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ अल्फा प्लस के, है ना, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ के, है ना। अब देखो अल्फा तो एक कॉन्स्टेंट है, वेना चेंज कौन हो रहा है, के के पे, के समेशन किस पे, के पे है ना, तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो समेशन के बाहर आ जाएंगे। यस सर, यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, समेशन एफ ऑफ के, के गोइंग फ्रॉम 1 से लेके 10। अब आई बात समझ में, ये जो गिवन डेटा था इसको इस तरह से हमें यूज करना, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास आ जाएगा, अब यहां पे बेसिकली क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 अप टिल एफ ऑफ 10। अब मेरा को दिमाग लगाना कैसे भी करके इन सब की वैल्यू निकालनी, एफ ऑफ 1 तो दिया हुआ है, अब देखो एफ ऑफ 2 आ रहा है क्या सर, x y को 1 1 पुट करके, हां x और y को 1 1 पुट अप करके आंसर आ जाएगा सर, f आ जाएगा ना, x, वेरी गुड, f x और y को 1 1 पुट अप करोगे तो f ऑफ 2 आ जाएगा, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1 का होल स्क्वायर, है ना। यस सर, ठीक है, जैसे वो 2 आएगा फिर 3 निकाल लोगे, 4 निकाल लोगे, वैल्यू पुट अप करोगे, इससे इक्वेट करोगे, अल्फा आ जाएगा, है ना। यस सर, ठीक है, चलो अब ये देखो अगला। ध्यान से एक्सप्रेशन को देखो, क्या वो सिंप्लीफाई हो पा रहा है, सर जब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये जो 1 माइनस एक्स की पावर 25 है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सब बोलो, क्या सबको दिखा, यस सर, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे एलसीएम लोगे, 2 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 25 बाई 2 और 2 प्लस एक्स की पावर 25, ये 2 से 2 कैंसिल, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ, आपको जो पूछा है, अब f ऑफ fx निकालो और पता करो कितना आ रहा है। सर एक्स बच्चा बोल रहे थे, हेलो हेलो आवाज आ रही है, यस सर, ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स निकाला क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है क्या, बाकी पता नहीं, देखो बाकी लोग निकालो जल्दी से, एफ के अंदर एफ एक्स रखना है, एफ के अंदर एफ एक्स रखना है, इतना टाइम लग गया, जल्दी बात करो बच्चों, एक्स देखो ध्यान से, ये 50-50 कट जाएगा, ये 4-4 कट जाएगा, एक्स की पावर 50 और 1/50 क्या बचेगा, एक्स बचेगा, है ना। अब देखो एक्सप्रेशन कितना अच्छा गया, अब जो जो पूछा है उसमें वैल्यू पुट अप करो, देखो वो क्या रहा है, जीएक्स, जीएक्स निकालो,
f के अंदर देखो क्या f of fx है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। हाँ है ना बच्चों, देखो ये तो क्वेश्चन बहुत दिखने में अजीब सा था, लेकिन जैसे f of fx निकल x आ गया तो f of fx की जगह x रख दिया, वापिस से उसकी जगह क्या रख दिया x रख दिया। यहाँ तक स्टेप समझ में आई कि नहीं? वेरी गुड। चलो अब देखो अपना क्वेश्चन दिखने में कितना आसान हो गया, जी एक्स जो हो गया वो मेरा हो गया एफ एक्स प्लस एक्स। अब पूछा क्या था, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ वन, तो जी ऑफ वन निकालना है। यस सर। तो जी ऑफ वन मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन प्लस वन। अब देखो ये कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 की पावर 1/50 प्लस 1। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, द ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बन आएगा सर। नहीं नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेसिमल्स में जाएगी तो 0 होएगी, ये तो पूरा पॉइंट में जाएगा ना फिर से। पक्का? यस सर। कम लॉजिकली कैसे प्रूव करोगे, किसी को अगर कोई पूछे सर, √3 से छोटा होता है, और √3 देखो √3 आती है 1.732 पर। आप ये कैसे बोल सकते हो कि 3 की पावर 1/51 से छोटा आएगा, डिनोमिनेटर छोटा है ना पावर का, 50 है। वन से थोड़ा शायद बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर 50 भी तो 1 ही होता है। हां तो आप बता, आप दिमाग लगाओ आप लोग, अब मुझे बता इसको कैसे निकालें। और यहां तक तो क्वेश्चन अपने निकल, पावर जितनी वो हो गया, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर था वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, 0.02 हो गया सर। 1 + 7 1 + 7 3 2 की पावर 1/2 लिख देते हैं, फिर उसके बाद 732 जो है वो पॉइंट में होगा, तो हाँ, हम लोग बायनोमियल थ्योरम यूज कर लेंगे। अरे आप करो सॉल्व, पूछ और अगर जो भी आंसर दे रहा तो उससे आ रहा है कि नहीं आ रहा वो चेक करो, ठीक है। हाँ आंसर अगर आपका आ रहा है फिर डिस्कस करो। डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन? हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, सबको सिखा रखा है आपको, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यही बोल रहा था मैं। डायरेक्ट तुक्का नहीं मानना कि सर 0 point something आ जाएगा, अपन को पता थोड़ी 0 point something आएगा, ये गलती करोगे एग्जाम में जो, और जहाँ पे 4 नंबर आने वाले होंगे वहां पे -1 लेके आओगे। कभी भी डायरेक्टली रैंडमली कोई चीज मत लिख के आ जाओ, ठीक है? आपको पता नहीं ना 3 की पावर 1/50 0 point something होगा या नहीं होगा, पहले जस्टिफाई करो खुद को। जो अब जो क्वेश्चन जितना अपन ने तो यहाँ तक 90% सोल्व कर दिया, अब इस लास्ट स्टेप के चक्कर में आप 4 नंबर छोड़ के आ जाओगे सर। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, तो फिर पॉइंट में जाएगा बहुत, ठीक है? आप सब लोग ट्राई करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है, आपको फाइनल आंसर कितना आ रहा है इसकी, जो भी तरीका आपको अपनाना हो, डेरिवेटिव बाइनोमियल जो भी। बेसिकली इसका अपन को ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ऑफ दैट 1 ही बनेगा ना, जब ये पॉइंट में प्लस 1 1 ही बन जाएगा दैट। क्या 1, ये 1 आ रहा है? नहीं सर, मतलब ग्रेटेस्ट हो जाएगा जब तक 1 ही हो जाएगा पूरे, नहीं अगर ये वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा ना, आपको पता, वही तो बार-बार समझा रहा हूं, इसकी वैल्यू 1 से कम है कि 1 से ज्यादा ये पता करो सर। 1 से ज्यादा आएगी, हाँ ज्यादा आएगी, लेकिन वो आपको खुद से पता करना होगा, ठीक है? आप लोग मैक्सिमम बच्चे सब ये बोल रहे भाई 1 से कम आएगी, और वहीं पे आपने गलत, 1 से कम अज्यूम कर लोगे तो 1 point something आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 1 आ जाएगा, बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 है। 2 है मतलब इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 1 point something आ रही होगी, और 1 point something प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका आ जाएगा 2। और कैसे करेंगे उसको, मतलब अप्रोच बता दो उसकी, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग अप्रोक्सीमेशन आपको सिखाया था ना मैंने, क्या बोला था मैंने, बेसिकली अपन को क्या निकालना है, y डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है, हाँ है ना? फॉर्मूला हमारा क्या होता था डेल्टा y का, सर dy by dx into delta x। हाँ, और अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, डेल्टा y by डेल्टा x को इक्वेट कर देना dy by dx से, यहाँ पे डेल्टा y by डेल्टा x इधर dy by dx, तो यहाँ से डायरेक्ट डेल्टा y आ जाएगा। डेल्टा y को कैसे लिखोगे, dy by dx into delta x,
ठीक है। अब आपको एक फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा और उसमें ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि आप डेल्टा एक्स क्या मान रहे हो, एक्स क्या मान रहे हो। तो कैसे लगाओगे दिमाग यहाँ पे, 1/50 है यहाँ पे, फंक्शन क्या अज्यूम करोगे और डेल्टा एक्स क्या अज्यूम करोगे जिसने अप्रोक्सीमेशन से अगर करना है तो। डेल्टा एक्स मतलब एक्स के कंपैरिजन में वैल्यू, छोटी सी वैल्यू, लिखना चाहो ठीक है, तो उस केस में फिर आपको एक्स 2.9 अज्यूम करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स 0.1 अगर अज्यूम करते हो तो आपका फंक्शन y हो जाएगा x की पावर 1/50, तो dy by dx यहां से कितना आएगा, 1/50 into x की पावर 1 upon x की पावर, मतलब समझ में आ रहा है, x की पावर 49/50 है ना माइनस का, ठीक है। लेकिन यहां पे अब प्रॉब्लम क्या आएगी, इसका फिर वापस से डेसिमल पोर्शन आएगा सर, रूट थ्री की पावर 100 कर दे, रूट थ्री की पावर 100, रूट थ्री को फिर आप क्या करोगे सर, 1.73 आएगा, 0.73 को डेल्टा एक्स मान लेंगे, रूट थ्री की पावर 100, हाँ ये भी कर सकते हो वैसे, नहीं रूट थ्री, हाँ लेकिन यहाँ पे तो 50 हो जाएगा ना, ये तो 1/50 कैसे कर दोगे सर, 1/√3 की पावर सर, रूट थ्री की पावर 1/25 माननी पड़ेगी, फिर फायदा नहीं है ना, और कुछ सोचना पड़ेगा। अगर बाइनोमियल देखें ठीक है, तो बाइनोमियल में दो टर्म में ब्रेक कर दिया अपन ने, है ना, यस सर। अब यहाँ पे पावर इंटीग्रल नहीं है ठीक है, तो ये आपकी इस बार के सिलेबस से हट गया है, तो लेकिन अगर इंटीग्रल पावर नहीं होती है तो अपन 1+ जैसे कुछ भी हो एक्सपेंशन, 1+ एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन, अगर एन इंटीजर ना हो तो उसको ऐसे रखते हैं, 1+nx+n(n-1)2 थोड़ा बहुत याद आ रहा है अगर पहले कभी पढ़ा हो तो, बेसिकली यहाँ से आपको ये दिख जाएगा कि वैल्यू 1. समथिंग आएगी, ये भी डेसिमल में आएगा 0.0 समथिंग, ये भी 0.0 समथिंग आएगा, ये भी 0.0 समथिंग, लेकिन वैल्यू 1 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। यहाँ पे अपनी ये जो वैल्यू 1. समथिंग प्लस 1, तो ये वैल्यू जो आएगी 2. समथिंग आएगी, 2. समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो ध्यान रखना, डायरेक्टली तुक्का मत मार लेना। चलो नेक्स्ट, फंक्शन एफ एक्स दिया, जी एक्स दिया, गॉफ के बारे में, अब ये बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे करके बताओ, ऑन टू इनटू पूछा है, जल्दी से सब लोग ट्राई कर लो, एक मिनट से कम का टाइम है आपको, एक मिनट का टाइम है, जल्दी से, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, फॉग निकालो जल्दी से, देखो 1-1 ऑन टू आ रहे हैं। निकाला सबने फॉग? यस सर। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ रहा है, -x² + 1/x² - 1, ये आ रहा है क्या? यस सर। वेरी गुड, सबका ये आ रहा है, ये आ रहा है सर। अच्छा, इसको देख के मुझे क्या डायरेक्टली बता सकते हो 1-1 है कि many-1 है? तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, है ना,
एफ जैसे मान लो इसने आपने वैल्यू निकाली माइनस टू पे, वो माइनस टू पे और प्लस टू पे वैल्यू क्या आएगी सेम, तो दो अलग अलग एक्स की वैल्यू पे अगर सेम वैल्यू आ रही तो क्या हो जाएगा, मैनी वन डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं है ना। Yes, ठीक है, क्योंकि अपन को वैसे भी ऑल रियल नंबर के लिए इनपुट है तो माइनस प्लस रखेंगे तो क्या आ जाएगा मैनी वन। अब ऑन टू चेक कर लो, कोडोमेन ऑल रियल नंबर है तो ऑन टू के लिए एक बार देखो इसकी रेंज क्या आएगी, फंक्शन की रेंज निकालने के लिए इसको आप फिलहाल के लिए y अज्यूम कर लो, y इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब बताओ y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, बताओ रेंज कैसे निकाला बच्चों? सर y से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले डिनोमिनेटर को y के टर्म्स में, वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन y, इस 1 को उधर भेज दोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 1, यहां से x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस y अपॉन y। देखो ध्यान से यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं, देखो इधर x स्क्वायर का टर्म तो ये वाला टर्म कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस क्वांटिटी शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अब ये एक तरह की इनइक्वालिटी हो गई और इसके फैक्टर भी हमको पता है, क्रिटिकल पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट है माइनस वन, एक क्रिटिकल पॉइंट है जीरो, आप यहाँ पे लगा दो कि प्लस माइनस प्लस, अपन को क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, तो पॉजिटिव रीजन कौन सा आ जाएगा ये वाला, इसमें बस डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो यहाँ पे ओपन आ जाएगा। तो अपनी रेंज क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, ये आपकी रेंज आ गई, क्या बात समझ में आई? Yes, sir. क्लियरली रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू है ना। यस सर। ओके ठीक है, तो ऐसे देखो क्वेश्चन सारे जेई के हैं आपके सामने। अब देखो अगेन ये वाला क्वेश्चन, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, कल के जैसा क्वेश्चन है। कैसे करोगे, क्या ऑब्जर्वेशन लगेगी है? सर इसमें फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म का समेशन 1 होगा, 1 2 होगा। अगेन फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म का समेशन 1 है, तो लास्ट वाले टर्म को मैं 1 माइनस 1 बाय फर्स्ट वाले टर्म लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से बोलो। यस सर। सेकंड लास्ट वाले टर्म को क्या लिख देंगे, 1 माइनस ये है ना। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करोगे, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के अंदर सम करोगे उनका क्या आएगा, 1 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, fx और f of 1 minus x क्रिएट हो रहा है, उनका सम क्रिएट हो रहा है, सारी पेयरिंग में क्या क्रिएट हो रहा है, एक तो f of 1 by 100 plus f of 1 minus 1 by 100, एक पेयर ये बन गया। अब इन सबके दो दो के पेयर बना लेंगे, फिर f of 2 by 100 plus f of 2 minus 2 by 100, ऐसे टोटल कितने पेयर बनेंगे, 24 बन जाएंगे सर। टोटल देखो कितने पेयर बनेंगे, टोटल कितने हैं यहाँ पे, 99 99 है, तो पेयरिंग कितने की बनेगी, 24 की, 24 की है ना, तो 24 के पेयर बना, मतलब नहीं 24 नहीं पेयर बनेंगे सर, 48 है ना, 48 की बनेगी पेयरिंग और एक बच जाएगा, क्लियर है। अब आप यहाँ पे देख लो fx आपको पास दिया हुआ है 2 e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e, और f of 1 minus x भी निकाल लोगे ठीक है, और दोनों को ऐड करके देखना क्या बन रहा है, आई बात समझ में। कल ही क्वेश्चन ऐसा किया था अपन ने, ठीक है। यस अगला देखो, अब ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड और एक बेसिक मतलब स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन, इसमें आप खुद का दिमाग आपको लगाना है, करो ट्राई सबको। fx and gx are two real polynomial of degree 2 and 1, ये देखो हिंट दी हुई है, fx और gx polynomial एक फंक्शन है of degree 2, मतलब ये quadratic है और नीचे वाला linear है, fx gx ये पता करना है आपको, फॉग दिया है गॉफ दिया है और fx और gx पता करना है। फॉग आपको दिया हुआ है और गॉफ आपको दिया हुआ है, तो अब इनकी मदद से fx और gx कैसे निकालें, मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूं सबको, सब लोग ट्राई करो।
अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि फॉग दिया है, गॉफ दिया है, और एक क्वेश्चन में कंडीशन दे दी है कि fx एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, gx एक लीनियर फंक्शन है, तो मुझे fx और gx पता करना है, तो आप मुझे पता करके बताओ fx और gx कितना है, फिर जो वैल्यू निकालनी होगी निकाल लेंगे। आप मुझे पता करके बताओ fx की fx फंक्शन क्या आ रहा है, gx फंक्शन आपका क्या आ रहा है। आया लॉजिकली देख लो क्या सेट जीएक्स को क्या रखें और एफएक्स को क्या रखें। ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो, देखो दोनों फंक्शन को सिंपलीफाई करो, फैक्टराइज करो, कुछ तो करो, दिख जाएगा। सर ऐसे करने जा सकते हैं कि f of x को कुछ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मान ले और g of x को भी कुछ लीनियर पॉलीनोमियल मान ले। हां देखो मान सकते हैं, लेकिन उसमें फिर अननोन बढ़ जाएंगे, मतलब क्वाड्रेटिक मानोगे तो तीन अननोन आएंगे, लीनियर मानोगे तो अगेन दो अननोन आएंगे, पांच अननोन, फिर कैसे निकालेंगे अपन। कोशिश हमको पहली, हां कोशिश हमको यही करनी रहती सबसे पहले कि कैसे भी करके इसको ही सिंपलीफाई कर ले, दिख जाए अपन को कि f के अंदर ये रख रहे हैं, g के अंदर ये रख रहे हैं। सर नीचे वाले को क्वाड्रेटिक बना ले। देखो g के अंदर आप fx, अब g एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर के अंदर क्वाड्रेटिक रखेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक के अंदर लीनियर रखा गया, तो इस किस क्वाड्रेटिक के अंदर लीनियर रखा गया होगा, थोड़ा सा दोनों में लॉजिक लगा के मैनिपुलेशंस करनी होगी तो उससे दिख जाएगा, दिखना चाहिए, मतलब कोशिश करो एक बार gx क्या आएगा और fx क्या आएगा, देखो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो जल्दी से, अगर यहां से 2b कॉमन लेते हैं तो कुछ बन रहा है क्या, सर 4x आएगा। सर अगर कॉमन लेंगे तो fx की वैल्यू 2x2 + x + 1 आएगी और g of x की आएगी 2x - 1। gx की 2x - 1 और fx की? fx की 2x² + 3x + 1। अच्छा अच्छा लेकिन कैसे पता किया? सर यहाँ पे कॉमन निकाल के, ठीक है यहाँ पे भी देखो क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 2x² + 3x + 1, ठीक है यहाँ पे 2x² बन रहा है प्लस 3x बन रहा है, ठीक है, तो बेसिकली g एक लीनियर फंक्शन था उसके अंदर क्वाड्रेटिक रखी, तो देखो इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक रखी है अपन ने, तो अगर इसको अपन fx मान ले तो gx क्या जाएगा 2x + 1, तो ये fx अगर माने तो फिर ये देखना पड़ेगा वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, पर वैसा बनाना पड़ेगा ना 2x + 1 टाइप से, यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा कि 2 के अंदर अपन बेसिकली यहाँ पे इसको क्या बनाना है, f के अंदर gx रख रहे हैं ना, तो
तो f के अंदर g मतलब जहां जहां भी x उसकी जगह क्वाड्रेटिक रख रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक रखना है ना इसमें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक रखना है f के अंदर g, f के अंदर g मतलब एक x की जगह लीनियर टर्म रखना है, और यहाँ पे बन रहा है 2x square plus 3x. ठीक है, इसको एक बार लॉजिकली देखते हैं. जैसे मान लो देखो ध्यान से, यहाँ से 2 कॉमन लिया मैंने, तो 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x square plus 3x plus 1 आया ना, सबको दिख रहा है. यस सर. तो अगर इसको मैं लॉजिकली ऐसा सोचू 2x plus 1 टाइप से है ना, और बेसिकली फिर x की जगह अपन ने क्या रिप्लेस किया, ये रिप्लेस किया है. ठीक है, तो अपन अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जी के अंदर एफ एक्स रख रहे हैं, जी के अंदर क्या रख रहे हैं, एफ एक्स. तो जी के अंदर एफ एक्स रख रहे हैं, तो जी एक्स को अपन क्या मान सकते हैं, अगर जी एक्स को मैं मानू 2x plus 1 और एफ एक्स को ये मान लू 2x square plus 3x, तो इससे इससे ये वाला तो सेटिस्फाई कर जाएगा. देखो ध्यान से, इसके अंदर आप ये रखोगे तो यही बनेगा, हाँ है ना. अरे बोलो इस लॉजिक से तो. हाँ सर. ठीक है, अब इसको क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एफ ऑफ जी एक्स को. तो एफ के अंदर अगर आप जी एक्स रखोगे, एफ के अंदर जी एक्स, तो 2x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 2x plus 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो प्लस में आ रहे पर यहाँ पे, तो ये आंसर पॉजिटिव आना चाहिए. हाँ. और यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा और सोचना पड़ेगा सर. वो पहले वाली में प्लस माइनस 2/4/9 कर दे, मतलब 9/4. हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस बेसिकली अपन को एक माइनस क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा. तो अगर यहाँ पे ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा और सर, अगर हम जो जी ऑफ एफ एक्स है उसमें हम 2 कॉमन निकालेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बचेगा, तो उसमें हम माइनस 1 कर सकते हैं. हाँ, वो 2 कॉमन निकालने के लिए 2 क्रिएट करना पड़ेगा ना, कांस्टेंट तो 1 है अपने पास है ना. हाँ. तो 2 क्रिएट करने ताकि माइनस, अगर माइनस देखो समझ मारा, माइनस क्रिएट कर रहे क्योंकि यहाँ पे फंक्शन माइनस के अंदर है. तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, 4x स्क्वायर प्लस 6x का ही सही, एक माइनस 2 कर दिया और एक प्लस 2 कर दिया. प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 है ना. यस सर. अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से अब 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 3. ठीक है, अब इसको अपन मान लेते हैं fx, इसको मान लेके अपन ने fx, और gx मेरा कितना हो जाएगा 2x plus 3. अब चेक करते हैं, अब मेरे को क्या रखना है, f के अंदर g, f के अंदर अगर मैं g रखूंगा तो मेरा क्या आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है देख लेते हैं. f के अंदर g, g अब अपन ने क्या ले लिया, 2x plus 3 सर, gx 2x minus 1 आएगा, प्लस 1 आएगा. नो सर, माइनस 1. क्यों, यहाँ से तो अच्छा ठीक है. हाँ, उससे भी हाँ, देखो यहाँ पे अपन को लॉजिक लगा लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा अगर सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा. वैसे भी प्लस आ गया ना, एक्स की फिर कैंसिल तो जब भी नहीं होंगे फिर. कैंसिल नहीं होंगे, सही है. तो आपको फिर यहाँ पे माइनस क्रिएट करना पड़ेगा, तो माइनस क्रिएट करने के लिए फिर आपको क्या करोगे, यहाँ पे प्लस 2 माइनस 1 है ना. ठीक है, तब माइनस क्रिएट हो जाएगा, तब यहाँ पे आपको बनेगा प्लस का 1 और यहाँ पे बनेगा माइनस का 1. तो यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट करना, तो 2x माइनस 1 क्रिएट हो गया. ठीक है, अब 2x माइनस 1 अगर इसके अंदर आप रखोगे तब आपको माइनस क्रिएट हो जाएगा. तो 2x स्क्वायर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 2x माइनस 1 और लास्ट में क्या बचेगा, प्लस का 1. ये आपका fx था, इसमें x की जगह आपने रख दिया 2x माइनस 1. अब आपका नेगेटिव क्रिएट हो गया. ठीक है, अब ये शायद क्रिएट हो जाए, चेक करो एक बार. यहाँ से कितना बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 प्लस 6x माइनस का 3 प्लस का 1. तो यहाँ से बनेगा 8x स्क्वायर, ये कितना आएगा, माइनस का 8 प्लस का 6, तो माइनस का 2x प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा. आई बात समझ में? यस सर. और दूसरा ये है कि भाई अगर अपन वो ही मानो, अगर ax square plus bx plus c और ex plus d फिर कंपेयर कर करके सोचना पड़े तो वो भी कर सकते हो ट्राई. ठीक है, उससे भी हो जाएगा. ठीक है, एक fx को आपने मान लिया क्वाड्रेटिक, ax square plus bx plus c
और gx को आपने मान लिया px plus q, वैल्यू दोनों में पुट अप कर देना, दोनों साइड में कंपैरिजन कर लेना, ठीक है? ओके, अब ये देखो एक ये नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो इसको, ये थोड़ा सा अलग आया था जुलाई के। सर बीच में डॉट क्या है? हाँ एक सेकंड, अ फंक्शन f, वो डॉट नहीं होगा, वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन दिस दिस से दिस, वो एरो होगा, एरो। फंक्शन अपन बोलते हैं ना, फंक्शन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वो वाला टाइप से। ठीक है सर। मतलब सेट ए, सेट ए को मान लो 1 2 3 4, सेट बी को मान लो 1 से 6, और फंक्शन एफ ए से बी, ऐसा सोचो। ये वैसे एडवांस में आना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चन है, कर लो ट्राई फिर भी अगर हो पा रहा हो तो। क्वेश्चन भी समझ में आया कि नहीं? ट्राई तो कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? सर क्वेश्चन तो आ गया समझ में, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कैसे करें। ठीक है ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ऐसे कितने फंक्शन होंगे जो इस तरह से सेटिस्फाई करेंगे ये पूछा गया। मतलब यहाँ पे दो तरह के सेट है, सेट ए सेट बी, फंक्शन यहाँ पे एरो आ जाएगा, ठीक है, वो गलती से शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। अब बोला गया कंडीशन ये है कि एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू इक्वल टू थ्री, सॉरी एफ ऑफ थ्री, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये जो एफ ऑफ थ्री है वो एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू का एडिशन है, और फंक्शन की वैल्यू देखो, फंक्शन की वैल्यू आउटपुट मतलब ये है, अब इनकी वैल्यू जो होगी, जैसे इन सब की वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां तक लाई करेगी, बोलो, एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू और एफ ऑफ थ्री इनकी वैल्यू कहां से आएगी? सर 1 से 6 तक, 1 से 6 ना, ये फंक्शन के आउटपुट है, ये एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री वैल्यू, या तो ये 1 2 3 इनमें से कोई ना कोई होगी, है ना? यस सर, इनमें से तो फंक्शन की वैल्यू है ना, ये तो फंक्शन की वैल्यू, ये आपका ये इनपुट है और ये आपका क्या है आउटपुट, तो फंक्शन की वैल्यू जो है ये 1 से लेके 6 तक कुछ ना कुछ हो सकती है। तो मुझे लॉजिकली ये लगा के बताओ दिमाग कि एफ ऑफ थ्री की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, ये दोनों का सम है, एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू का क्या है ये सम है, तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, कहां से स्टार्ट हो सकती है पॉसिबल? सर 2 से 6, सर 2 से 6 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ थ्री। अब देखो मिनिमम ये दोनों कितना होंगे, 1 और 1, देखो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी दोनों की, 1 हो सकती है ना? यस सर, मिनिमम 1 हो सकती है, तो दोनों का सम कितना आएगा 3, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू 2 हो सकती है, फिर मान लो एक आधे की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। पानी पिला दो, ठीक है, पानी अनम्यूट करके पानी पी लो, ठीक है, 2 3 और क्या हो सकता है? अरे बोलो सर, 4 5 6 6 6 6 सर एक बार ये दोबारा बता दो वाला, ठीक है, कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू इक्वल टू एफ ऑफ थ्री, बस इतना था क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, मतलब इनपुट में 1 और 2 रखोगे उन दोनों का सम करके आउटपुट कितना आना चाहिए 3, मतलब
एफ ऑफ वन की वैल्यू प्लस एफ ऑफ टू की वैल्यू एफ ऑफ थ्री के क्या आनी चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ऐसे इस ऐसे कितने फंक्शन होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये हमको काउंट करना था। ठीक है, तो हम ये सोच रहे थे कि एफ ऑफ थ्री जो है वो एफ ऑफ टू और एफ ऑफ वन का सम है, तो एफ ऑफ थ्री की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो एफ ऑफ वन मतलब इनपुट में मानो वन गया, तो वन की वैल्यू इनमें से कुछ आएगी, फिर एफ ऑफ टू की वैल्यू इनमें से कुछ आएगी, उन दोनों का सम करेंगे तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू आएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो एफ ऑफ थ्री की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मान लो ये मान लो एफ ऑफ वन वन हो गया, एफ ऑफ टू भी कितना हो गया वन, तो वन प्लस वन कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। इस मान लो इसकी वैल्यू वन आ गई, इसकी वैल्यू भी वन आ गई, तो ये कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। एक पॉसिबल ये पेयरिंग बन सकते को, मतलब बेसिकली ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं वो काउंट करना है, मतलब इस तरह ये क्वेश्चन था। तो एक पॉसिबल क्या हो सकता है कि एफ ऑफ थ्री का आपका टू हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाए कि ये वन हो जाए ये टू हो जाए तो इनका सम कितना आ जाएगा थ्री, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये वन हो जाए ये थ्री हो जाए तो सम कितना आ सकता है फोर, ये वन ये फोर तो सम कितना आ सकता है फाइव, ये वन ये फाइव तो सम कितना आ सकता है सिक्स, क्या सम सेवन आ सकता है? नहीं सर, क्योंकि सेवन तो इसमें है ही नहीं, तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू सेवन हो ही नहीं सकती, मतलब कहाँ तक जा सकती है, छह तक जा सकती है। अब आई बात समझ? यस सर। ओके, अब आपको ये सोचना है कि ऐसे कितने फंक्शन पॉसिबल है, ऐसे कितनी पेयरिंग बन सकती है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पीएनसी अब बोला गया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लेवल का था। एफ ऑफ थ्री अगर मान लो टू है तो उस केस में एफ ऑफ थ्री को मान लो टू कर दिया अपने, एक एक करके सोचेंगे, तो एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू क्या क्या हो सकता है? एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? वन और वन, तो एक ही केस बन सकता है। यस ठीक है, और तो कुछ नहीं बनेगा ना टू लाने के लिए बस। हाँ ठीक है, अब आगे सोचो सर, थ्री के लिए टू केसेस बनेंगे। अब थ्री एफ ऑफ थ्री की वैल्यू अगर थ्री बन जाए तो थ्री बनाने के लिए क्या क्या चांसेस है? बस यही दो पॉसिबिलिटी है। यस सर। यस सर, दो केस। अब एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या हो जाए? फोर। करो ऐसे सारे काउंट कितने आ रहे? फोर के लिए फाइव के लिए सर 12 केसेस आ रहे हैं टोटल। यस सर। ठीक है, लेकिन अपने ऑप्शन तो ज्यादा है, फिर अपने एक चीज कहीं मिस करिए क्या कुछ? देखो सोचो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। सर 15 आ रहे हैं केसेस तो। लेकिन फिर भी अपने ऑप्शन में तो देखो ना 60, 90, 108 और 126 है, तो अपन ने क्या कुछ मिस किया गया यहाँ पे? कोई पीएनसी का मिस कर दिया, क्या कर दिया मतलब? कुछ अपन ने मिस किया, कोई वैल्यू होनी चाहिए। किस में वैल्यू होनी चाहिए सर? एफ ऑफ 4 जब रखेंगे सर, एफ ऑफ 3 2 नहीं आ सकता? एफ ऑफ 3 2 आ सकता है ना, तो अपन ने रख लिया सर। एफ ऑफ 4 की भी तो 6 वैल्यू पॉसिबल होंगी। कैसे? हाँ वो तो होगी सही, वो तो मैं कह रहा हूँ आगे होगा, आपने काउंट किया होगा। नहीं मैं कह रहा हूँ ऑप्शंस देखो ना, आप अपने सारे केसेस बनाएंगे। अच्छा इसके बताओ कितने बने एफ ऑफ 3 इसमें, और क्या क्या इसमें कितने आ रहे थे? तीन केस सर। हाँ सर, यस सर, तीन आ रहे, एक तीन, तीन एक और दो दो, और दो दो तीन केस बने होंगे। एफ ऑफ थ्री इक्वल टू फाइव, इसमें कितने केस बने? चार केस। चार केस, चार एक, चार चार एक, दो तीन, तीन दो और बस। हाँ चार केस, ठीक है सर। और लास्ट वाला एफ ऑफ थ्री इक्वल टू सिक्स, पांच केस, पांच केस, एक पांच, पांच एक और दो चार, दो चार, चार दो, चार दो और तीन तीन, तीन तीन,
ये पांच केस बने, ठीक है सर। मेरा ही क्वेश्चन था 15 केसेस कैसे आ रहे हैं सर, मैं तो 12 आ रहे हैं। अच्छा इनका एडिशन करो ना, कितना आ रहा है, 9, 10 और इनका सब ऐड करो 15 तो आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो ध्यान से, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, ठीक है। अब हो सकता है इसमें अपन कहीं ना कहीं पीएनसी और लग रही होगी, जैसे जो फर्स्ट वाला है जहां पे अपन ने क्या अज्यूम किया, f(3) = 2, f(1) = 1, f(1) = 1, इसका मतलब ऐसे ऐसे। हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं सर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन f(1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5) such that f(1) + f(2) = f(3। सर जब फंक्शन में 4 रखेंगे तो उसकी भी तो कोई वैल्यू आनी चाहिए। फंक्शन में 4 रखोगे, हाँ वेरी गुड, फंक्शन में 4 रखोगे तो उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो सर उसकी भी 6 कंडीशन आ सकते हैं। लेकिन फंक्शन में 4, हाँ एक सेकंड, आपका देखो ये फर्स्ट वाला, हाँ देखो फर्स्ट वाला जो केस अपन ने बनाया है वो केस क्या था, फर्स्ट वाला केस देखते, ये जो वन वाला केस है इसमें इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हाँ सही बताया आपने, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 2, हाँ है ना 2। अब देखो ये तो रही क्या था ना, फंक्शन बनाने के लिए इसको भी तो इमेज बनानी पड़ेगी। कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, तो यहाँ पे F4 के लिए कितने केस पॉसिबल है, 6। तो यहाँ पे अपने पास क्या लिखना पड़ेगा, ये जो बचा हुआ F4 उसके 6 केस पॉसिबल है, तो इसके साथ अगर 6 तो यहाँ पे टोटल कितने आ जाएंगे, 6 वेस, है ना, आई बात समझ में। यस सर, यस सर। देखो ये 3 तो अपन ने कर लिया था, फिर 4th के लिए अपने पास 6 पॉसिबिलिटी। अब ध्यान से देखो अगला, अब यहाँ पे भी F1, F2 और F3 फिक्स हो गए, ये तो फिक्स हो गए, और अगेन F4 के लिए 6 केस बनेंगे। यस सर। और यहाँ पे भी अगेन F4 के लिए कितने केस बनेंगे, 6। छह, आ रही बात समझ में। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, हर केस के करस्पोंडिंग 6-6 केस बनेंगे। आ रही बात समझ में, क्या है सर, बोलो। फिर बी हो, f(3) = 4 और ये f(1) और f(2) = 3, इसके करस्पोंडिंग भी फिर f(4) के 6 केस, इसके भी 6 केस, इसके भी 6 केस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा 12, यहां पे क्या आएगा 18, यहाँ पे क्या आएगा 24 और यहाँ पे क्या आएगा 30। इन सबको एक बार ऐड कर देना, या फिर आप क्या कर सकते हो, 15 × 6 सर 90 90 आंसर आएगा आपका, वेरी गुड। आई बात समझ में, देखो क्वेश्चन काफी अच्छा था, अपन ने पहले तो ये लॉजिक लगा लिया कि F1, F2 और F3 की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, लेकिन F4 रह गया, तो फंक्शन के लिए उसको भी सेटिस्फाई करना जरूरी है, तो अपन ने उसको देखा कि उस F4 के लिए 6 पॉसिबल केस, तो हर केस के करस्पोंडिंग 6 केस बन जाएंगे। आई बात समझ में, मतलब अपन ने जो एक सिंगल केस माना था ना ये वाला, कि ये एक केस बनेगा, इस अभी इस केस में अपन ने ये बना दिया था, अब यहाँ पे F4 छोटा रह गया था ना, अब हो सकता है F4 1 से जुड़ जाए, तो एक पॉसिबिलिटी ये F4 मान लो 2 से जुड़ जाए, ये मान लो 3, 4, 5, तो 6 डिफरेंट केसेस बनेंगे ना, ठीक है। अपन ने क्या करा, 1, 2 और 3 के लिए पहले पता कर लिया, 1, 2 और 3 के लिए पता कर लिया, फिर 4 के लिए 6 केसेस कर लिए, तो यहाँ पे 6 केस आ जाएंगे, क्लियर है। एक बार वो ट्राई करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला ट्राई करो जल्दी सर, अब ये भी एक और तरह का क्वेश्चन है, ये 2-3 वैरायटी बस अलग आई थी, बाकी तो लगभग सब क्वेश्चन अपने वही रहते हैं जो स्टैंडर्ड रहते हैं, और ये भी अलग नहीं था, बेसिकली इसमें लॉजिकल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहे, लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे, एप्टीट्यूड टाइप। अब इसको ट्राई कर लो एक बार जल्दी से, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव मतलब 1 भी है 2 भी है, 1 एंड 2 1 2, ठीक है। अब लगाओ दिमाग,
थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। हाँ कोई कुछ कह रहा था, हैंड रेस किया किसी ने? दुर्गा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, गलती से। ओके ओके। आपको ये पता नंबर ऑफ बाइसेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला भी होता था? यस सर। जैसे मान लो अच्छा बाइजेक्टिव के लिए क्या दोनों जो ये हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए अलग अलग भी चल सकते हैं? जैसे मान लो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले, एक दो तीन, यहाँ पे मान लो चार एलिमेंट, तो यहाँ पे कितने बाइजेक्टिव बनेंगे? जीरो। हाँ जीरो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता था? वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। अगर मान लो मैंने वन वन भी बना दिया, एक सबको एक एक के साथ कनेक्ट भी कर दिया, लेकिन एक एलिमेंट तो रह जाएगा, ऑन टू वन बन नहीं सकता। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि नंबर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम, तभी जाके मेरा बाइजेक्टिव बनेगा। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, अगर मान लो इसमें तीन एलिमेंट है, इसमें तीन एलिमेंट है, अब बताओ नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन? वन, तीन। तीन ही बनेंगे क्या, और नहीं बन सकते? मान लो यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे वन टू थ्री है, और डिफरेंट डायग्राम नहीं बन सकते? मान लो ए को टू से कनेक्ट कर दो, ये हाँ, तो बेसिकली क्या लॉजिक लगेगा? बेसिकली क्या करा है, इन तीन लोगों को तीन जगह पे बिठाना है, यही तो कर रहे हैं अपन। एबीसी को तीन के साथ मैच करना है। तीन लोगों को तीन जगह पे बिठाने के कितने तरीके? थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? छह तरीके। अब आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे तो जब कोई कंडीशन नहीं हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल। अगर मान लो दोनों सेट में एन एन एलिमेंट है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा? एन फैक्टोरियल। अब इस केस में जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है एक तीन पांच 99 तक। यहाँ पे दो चार छ अप टिल 100, सच दैट एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ नाइन, एफ ऑफ 15 ये सब ग्रेटर होने चाहिए। पीएनसी का क्वेश्चन एक्चुअली अपने आप में। इसको पॉज रखते हैं, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगला ट्राई करते तब तक। ये लगाओ दिमाग, चलो फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आपको है ना थोड़ा सा केसेस बनाने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? 3 ग्रेटर देन 499 और थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज भी यूज होगा, जो 3 9 15 है। ठीक है, तो एक बार उसको अपन करते सॉल्व, तब तक पहले ये वाला ट्राई कर लो आप। ये वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था लॉजिकली ही करना पड़ेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन आज लिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सब में लॉजिक लगाना है, इसलिए आज की क्लास में इसमें अपने लॉजिक लिया। लगाओ दिमाग वापस। कंडीशन क्या गिवन है? कंटीन्यूअस फंक्शन है बस, और f of 3x minus f of x equal to x, बस इतना सा दे दिया, और f of 8 की वैल्यू गिवन है 14 निकालना है। लगाओ वैल्यू पुट अप कर करके सोचो कि कैसे f of 14 क्रिएट करें। अब f of 8 आपको दिया होगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्लास में की थ्योरी में कवर नहीं कर सकते, इनको क्वेश्चन के थ्रू आपको खुद से ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सब लोग ट्राई कर लो, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
हेलो कर रहे हो ट्राई? यस सर। यस ठीक है, तो तुम चुपचाप हो जाते एकदम, मुझे लगा क्या होता है। ठीक है करो ट्राई, लगाओ जुगाड़, कुछ जम रहा है क्या? ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, ये अटेम्प्ट ही काफी टफ था, बस जुलाई का ये जो अटेम्प्ट आया था ना, इसमें मैथ्स का पेपर काफी अच्छा आया था। अब इसमें क्या क्या जुगाड़ लगाया था, एफएक्स क्रिएट कर ले, कैसे करे अपन एफएक्स बना लो या तो कुछ ना कुछ करके, 3x से, x से और x से, तीन तरह के फंक्शन दिए, ब्रैकेट रेंज दिया हुआ है, तो 3x एक जगह x एक जगह, हाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट तो हमें कुछ क्रिएट हुआ? ये 8 और 14 का लॉजिक था है ना, कर रहे ठीक है। बाकी एनीवन एल्स सर कर रहे हैं? सर ट्राई कर रहे हैं, कर रहे हैं, करो करो। तो फंक्शंस में देख लेना, अगर इस फंक्शनल इक्वेशन में कुछ जुगाड़ बन जाए एक्स एक्स को, मतलब क्या करें, देखो लगा के दीजा आप ट्राई करके, हो जाए तो फिर मुझे बता देना कि सर आप बता दो है ना, फिर अपन साथ में करेंगे। चलो बताओ सर, बस 2 मिनट जुगाड़, 2 मिनट अरे ठीक है, तब तक मैं अपना एंड पे ट्राई करता हूँ, ठीक है आप भी अपने एंड पे ट्राई करो है ना, तब तक मैं लॉजिक देखता हूँ। यहाँ पे अगर 1 3 8 बनाना है, 8 3x है या x है या x, तो 3x से x सर एक बार एक्स को 8 और एक बार 14 रखा तो कुछ गंदा सा बनता जा रहा है। वो फोर उससे मैंने भी रखा था लेकिन शायद फायदा नहीं हो रहा होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एफएक्स क्रिएट कर रहा हूँ वापिस से, ऐसा कभी कभी करते ना अपन, याद है 1 माइनस एक्स को टी मानते थे
वापस fx क्रिएट करते थे, फिर दो दो इक्वेशन दो वेरिएबल से fx लाते थे, हाँ है ना, याद आ रहा है क्वेश्चन किए थे जब एक एक बार जैसे ऐसे क्वेश्चन आते थे fx plus f of 1 minus x equal to something, तो करते थे x की जगह 1 minus x क्रिएट करते थे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बना के फिर उसको इसको एलिमिनेट कर देते थे और fx लाते थे। तो मैं वही लॉजिक यहाँ पे लगा रहा हूँ, अगर उससे फायदा हो जाए तो। यहाँ पे देखो 3x है मेरे पास, क्या है 3x, तो इस 3x को fx बनाने के लिए x को कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा बोलो। इसको इस हाँ इसको वो भी कर सकते हो, इसको t मान सकते हो, लेकिन अगर x के टर्म्स में इसको शायद तो t मान लो, या फिर इसको अगर fx बनाना है तो x की जगह कैसे रिप्लेस करते हैं x by 3 x by 3। हाँ तो ये क्या बन जाएगा fx बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा fx, ये हो जाएगा fx और ये क्या बन जाएगा f of x by 3 और ये क्या बन जाएगा equal to x by 3। अच्छा लेकिन अब यहाँ पे ऊपर तो 3x है, यहाँ पे x by 3 है, अब क्या करें सर, ये कंटीन्यूअस फंक्शन प्लस कर दे दोनों को और इसको y equal to mx plus c मान सकते हैं क्या? क्या कह रहे हो, कंटीन्यूअस फंक्शन है तो क्या मान लें सर? कंटीन्यूअस होगा तो सर डिफरेंशिएबल भी होगा? नहीं सर जरूरी थोड़ी है, कंटीन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं f of x by 3 minus f of x 3n plus 1 types, या फिर 3 की पावर स्क्वायर। सर पहली वाली इक्वेशन में 8 by 3 डाल के देखे? नहीं नहीं पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं अपन, यहाँ पे fx ये कर दिया अपन, ऐड भी करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो f of 3x minus f of x by 3 equal to 4x by 3 बनेगा, तो उससे फायदा तो नहीं हुआ अपना। ये x by 3 को कैसे रिप्लेस, स्लोप निकाल सकते हैं क्या? स्लोप नहीं, अच्छा स्लोप f of वो वाला fx minus f of y upon x minus a, इस तरह से? Yes sir। वो पर ऐसा फंक्शन क्रिएट हो रहा है क्या यहाँ पे देखो, f x minus f of 3 नहीं बन नहीं रहा, ठीक है वेरी गुड। देखो आप सब ये सोच रहे हो ना वो बहुत बड़ी बात है, एक बच्चे ने बोला सर स्लोप क्रिएट करो, वैसे वो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी हो जाते हैं बहुत सी बार, एक बच्चा बोल रहा है वैल्यू पुट अप करके करो वैसे भी हो जाते हैं, पर ये क्वेश्चन अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मान लो वापिस मुझे x by 3 अगर रखूं वापिस x की जगह, तो वापिस x by 3 क्रिएट हो जाएगा तो उसके लिए सर एक बार हम ऐसे लिख के देखें f x by 3 और माइनस एफ एक्स बाय थ्री एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन। एक बार वापस बोलना, एफ एक्स बाय थ्री माइनस हाँ एफ एक्स बाय थ्री एन प्लस वन, थ्री एन प्लस वन, ये पर लॉज ये के सोचा कैसे थ्री एन प्लस वन क्यों? अच्छा ये तो मतलब ये आपको ये बताना पड़ेगा ना, इसको सोचा कैसे अप्रोच कैसे करेगी, एक्चुअली अपन क्वेश्चन कैसे अप्रोच करें ये सोच रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे x by 3 तो वापस x by 3 मैंने क्रिएट किया, देखा है सबने, यहाँ पे क्या बन जाएगा x की जगह x by 3 रिप्लेस करेंगे तो x में नहीं, एक बार चेक करते रहना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। अब यहाँ पे x by 9 है, वापिस अगर मैं x की जगह x by 3 रिप्लेस करूँ तो ये x by 9 बन जाएगा, yes, sir। और ये क्या बनेगा x by 27 equal to x by 27, ठीक है। इसमें इसमें देखो एक चीज तो ये दिख रही है कि ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना, ऐसे कैंसिल हो जाएगा अगर इनको मैं ऐड कर दूं, लेकिन हम जाए कहां तक, ये तो दिख रहा है मुझे कि ये प्लस में ये माइनस में है, ये प्लस में ये माइनस में, इसके इससे अगला कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एफ एक्स तो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ऐसे मान लो मैं बहुत आगे तक जाता आगे, और ये बेसिकली वैसे भी ये फंक्शन जो हो रहा है ये बढ़ता जाए छोटा होता जाए, तो सब कट ही जाएगा, हाँ लेकिन मान लो मान लो अपन बहुत आगे तक भी गए तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है ये देखते हैं, इसके साथ ये कैंसिल हो रहा है सर, फर्स्ट वाले और लास्ट, हाँ इसके साथ ये कैंसिल होगा, तो फर्स्ट और क्या बचेगा एक लास्ट वाला टर्म है ना, यस सर, यस सर, ऐड कर दूं तो ठीक है, तो इन सबको अगर अपन ऐड कर देते फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म बनेगा, तो यहाँ पे बचेगा fx माइनस ये वाला जो टर्म है ये, और इधर क्या बचेगा इधर, अच्छा ये सीरीज का एडिशन कर सकते हैं अपन, यस सर, ये इनफाइनाइट जीपी है ना,
ये तो आ जाएगा मेरे पास, इसका एडिशन तो मेरे पास इसका आ जाएगा, अपन करके देख लो फटाफट। ए अपॉन वन माइनस आर है ना फॉर्मूला? यस सर। वन माइनस आर, आर कितना है? वन बाई थ्री। वन बाई थ्री हो जाएगा एक्स बाई थ्री डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? टू बाई थ्री है ना, तो हो जाएगा एक्स बाई टू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो एक्स बाई टू, ये तो अच्छा हो गया। अब ये क्या लिखोगे? ये बेसिकली यहाँ पे अपने पास एक जो नंबर आएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, अपॉन एफ ऑफ, इसको ऐसे लिख देते हैं, इस बॉक्स को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जगह कम है तो इधर लिख रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ये नीचे सब थ्री की पावर बनती जा रही है, थ्री की पावर वन, थ्री की पावर टू, थ्री की पावर थ्री, मतलब थ्री की पावर एन। यस सर। और बहुत आगे तक जा रहे हैं अपन, अपन कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। यस सर। यस ठीक है, कहीं ना कहीं जुगाड़ तो जम रहा है, अब सोचो और थोड़ा। तो बेसिकली हाँ आप सही बोल रहे हो, अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी एफ ऑफ जीरो बन जाएगा। यस सर। यस सर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ जीरो। तो ये अपना आ जाएगा एफ ऑफ जीरो। तो बेसिकली फाइनल रिलेशन मेरे पास क्या आया, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स बाय टू। यहाँ तक पहुंच गए सर। अब एक्स को 8 पुट करके एफ ऑफ जीरो आ जाएगा, फिर वहां से एफ ऑफ 14 निकालेंगे। एक्स को, हाँ वेरी गुड, एक्स को 8 पुट अप करोगे तो एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। यस सर। हाँ यस सर, वेरी गुड। यहाँ पे आप अगर लिख देंगे एक्स को 8 पुट अप करने पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी, और एफ ऑफ जीरो जैसे ही आएगा फिर एक्स को अपन क्या पुट अप कर देंगे? 14। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. स्टार्टिंग कहां से करी अपन ने? देखो छोटी छोटी कि भाई fx क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ, x by 3 क्रिएट हो गया। फिर मैं ये एक मिनट अनम्यूट करो यार, किसका नॉइज आ रहा है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, fx क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था जो अपना पहले का लॉजिक था, तो उससे f of x by 3 क्रिएट होगा। फिर मैंने सोचा x by 3 कैसे हटाऊं, तो वापस से x को x by 3 रखा तो वापस ही हटने लग गया, फिर x by 9 क्रिएट होगा। लेकिन दिख क्या रहा था, एक अच्छी चीज के पैटर्न बन रहा था, वो पैटर्न बनते 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 लास्ट तक जाएगा, और इधर का भी एडिशन मेरे लिए सिंपलीफाइड था। ठीक है, तो एक बार और इस क्वेश्चन को आप रीट्राई कर लेना। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो ये डोमेन वाला क्वेश्चन, ये अब ये भी थोड़ा देखो, जितने भी ये जो जुलाई के अटेम्प्ट के क्वेश्चन जो सिलेक्टेड लिए सबके लेवल थोड़ा टफ था। अगेन यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तो लॉग के अंदर वाला क्वांटिटी और एक ये है। करना चाहोगे ट्राई? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। चलो करो, दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं सबको, सब लोग ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा, नहीं बना चलेगा। देखो आपको घबराना नहीं है, बाकी लोग सब लोगों को, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो अपन सीख रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, आप बस अपनी तरफ से अटेम्प्ट करो और देखो क्या बन सकता है, और गलतियां पहचानो क्या गलती होगी। सब लोग ट्राई कर लो, चलो एक बार।
हेलो हेलो कर रहे हो? यस सर कर रहे हैं। अच्छा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ध्यान रखना उसी, वो उसी के कारण क्वेश्चन अच्छा बना है। ठीक है अच्छे से ट्राई कर लो। आई थिंक आपको बेसिक नॉलेज आ गया होगा, कैलकुलेशन मुझे सिखा दो क्या करना है। सबसे पहले अगर तरीका सीख जाएंगे बाकी लोग ट्राई करते रहो। मुझे पता साइन इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी इसका क्या करेंगे सर? माइनस वन टू। वेरी गुड। साइन इनवर्स के अंदर प्लस वन, इसके बारे में पता माइनस वन। अब यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो क्वांटिटी है ये एक वैल्यू है, और इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका माइनस वन से वन के बीच में लाइक करना चाहिए। ठीक, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से ये लॉजिक लगा सकते हो कि ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये कहाँ से कहाँ तक लाइक करे ताकि आपकी वैल्यू, अगर मान लो वन लाना है, अगर इसकी वैल्यू वन लानी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्वांटिटी वन कब बनती है? ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? वन से टू है ना? यस सर। अरे बोलो। यस सर। अगर इसमें नेगेटिव का हम सोचते थे, जब मान लो अगर ये वैल्यू माइनस वन है तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए? नेगेटिव वन से नेगेटिव, नेगेटिव में उल्टा होता है, जीरो से माइनस वन, जीरो से माइनस वन, नेगेटिव में उल्टा होता था ना, कम लिखते थे। तो बेसिकली अब इसका अब बताओ ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए? माइनस वन से कहां तक? प्लस टू तक, टू तक, टू तक, माइनस वन से टू। अब लॉजिकली देख लो, अब ये देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस वन से टू की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा ना? हां है ना? यस सर। अब मेरी चीज आसान हो गई कि नहीं? अब तो बेसिकली आपके पास एक सिंपल लीनियर वो आ गया, इनइक्वालिटी, दो केसेस। यस सर। ठीक है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3, ये ऐसे अपने क्वेश्चन किए थे, माइनस 1, तो 2x स्क्वायर का क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करो करो, 16 आया आंसर, जल्दी से बताओ। सर x की वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगी, जल्दी बता दो फटाफट। सर x हमारा पॉजिटिव के वन से अंडर रूट 5/2 तक बिलोंग कर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर? मे बी सी। अच्छा यस सर। अच्छा मतलब आप ये लॉक में क्या करोगे, जल्दी से बता दो। दो केसेस बनेंगे यहाँ पे भी? यस सर। लॉक के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज। और दूसरी अगेन दूसरे लॉक के अंदर वाली क्वांटिटी भी कैसी होनी चाहिए?
अरे बोलो बच्चो ऑप्शन नहीं यहाँ पे देखो केस वन केस टू केस थ्री केस फोर इन चारों को क्या लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा लॉजिक लगाओ सर cos आते माइनस वन ना 2 cos x स्क्वायर प्लस x बाय 6 इस अच्छा मुझे ये बताओ इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है इसके नंबर 4 x को t ले लेंगे नहीं नहीं वो तो ठीक है 4 की पावर x हां ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आप देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहां पे पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब इसकी सॉल्यूशन कितने होंगे तो अगर जब दो अलग-अलग टाइप के फंक्शन आते हैं तो आपको क्या तरीका सिखाया था मैंने कि अगर मान लो दो अलग-अलग टाइप के फंक्शन आते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक लीनियर फंक्शन आ गया एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक क्वाड्रेटिक आ गया तो अगर एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो दो अलग-अलग टाइप के फंक्शन अगर इक्वेशन में दिए हुए हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता था सॉल्व करने का ऐसे टाइप के क्वेश्चन का सर ग्राफ हां ग्राफ वेरी गुड बताया था मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेते नहीं 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 ग्राफ ग्राफ सबसे आसान है कि ग्राफ बना लो दोनों के अगर बन पाए तो हां है ना अगर दोनों के ग्राफ बन जाएंगे तो अगर दोनों के ग्राफ बना के देख लो कि वो दोनों फंक्शन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं है ना यस सर ओके सर भाई साहब आपको मैंने कहा था फंक्शन पढ़ाते टाइम कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि जब दो अलग-अलग टाइप के फंक्शन दे दे मान लो एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक दे दे एक तरफ क्वाड्रेटिक दे दे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बना लो और देख लो दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे हां है ना यस सर ठीक है तो यहां पे भी आपके पास दो टाइप के फंक्शन है एक है जो भी एक फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल का सम ठीक है और दूसरा एक कॉस वाला फंक्शन है ठीक है यस सर हां अब सोचो अगर ग्राफिकली लॉजिक लगता तो ठीक है नहीं तो कुछ और लॉजिक लग रहा तो वो डिस्कस कर लो ट्राई पर जल्दी से अच्छा एक चीज और बताओ देखो ये जेई बहुत बार बार पूछता था मैं आपको बहुत बार बोला है कि कोई फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम इसके बारे में कभी कुछ सोचा आपने जैसे मान लो कोई फंक्शन है और उसके रेसिप्रोकल का सम ये क्वांटिटी बहुत बार आती है क्वेश्चंस में इसके बारे में क्या सिखाया था कोई भी फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल का सम अगर मान लो ये पॉजिटिव है तो क्या होती है सर 2 से ज्यादा सर हां याद आ रही है कितनी बार आया yes. है? Yes, sir. X plus one upon x always greater than equal to 2. याद आ रहा कितनी बार अपने ऐसे क्वेश्चन आते थे कि जहाँ पे फंक्शन और अपने यहाँ पे चाहो तो AMGN से भी ये प्रूव कर सकते हैं कि a plus one upon x फंक्शन कोई भी एक क्वांटिटी और उसके रेसिप्रोकल का सम is always greater than equal to 2. अगर हम क्वांटिटी मान लो पॉजिटिव है तो उस क्वांटिटी का और उसके रेसिप्रोकल का सम कभी भी करो या आंसर हमेशा 2 से ज्यादा आता है सबको याद है ये चीज ठीक है बहुत बार अपन ने इसको यूज किया तो यहाँ पे भी तो ये चीज तो गिवन है ये फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम ही तो गिवन है तो ये जो क्वांटिटी ये हमेशा कैसे होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी ग्रेटर देन इक्वल यस अब यहाँ पे बताओ इसके बारे में क्या बोल सकते हो ये जो कॉस वाला फंक्शन है ये क्या इसके बीच में लाए -2 से 2 होगा अरे कॉस तो पता है ना -1 से 1 तो 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 से 2 के बीच में यस सर अरे है ना कॉस वाला फंक्शन तो किसके बीच में लाई करेगा -2 से 2 के बीच में यस सर अरे बोलो अब लॉजिकली yes, अब देखो एलएचएस में जो क्वांटिटी वो बोल रहा है 2 से कम 2 या 2 से कम आरएचएस में जो क्वांटिटी वो 2 या 2 से ज्यादा तो इसकी एक कितनी क्या पॉसिबिलिटी है ये इक्वल का बोल एक ही सॉल्यूशन एक होगा ये एक ही तभी पॉसिबल है जब ये दोनों किसके बराबर हो 2 के बराबर ये भी 2 के बराबर हो जाए ये 2 के बराबर हो जाए है ना
यस सर। इसकी वैल्यू भी 2 हो जाए और इसकी वैल्यू भी 2 हो जाए, और अगर मान लो इसकी वैल्यू 2 है तो 2 बनने के लिए तो एक ही तरीका है कि आप x को एक सिंगल वैल्यू को, तो यहां पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये 2 कब बनेगा, जब ये जब x 0 होगा। हां जब x 0 हो जाए तो x इक्वल टू 0 ही इसका एक सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? यस सर। तो ओनली वन सॉल्यूशन। तो यहां पे खैर अपना बेसिक तरीका तो ये था, ग्राफ बना। लेकिन यहां पे ग्राफ बनाने इसका तो आसान था, इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता। लेकिन यहां पे इन्होंने क्वेश्चन इसलिए दिया था कि उनको ये कांसेप्ट अप्लाई करवाना था। ये बहुत बार आया है, याद आ रहा है, कोई भी फंक्शन उसके रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहां पे भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, जिसकी वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई करेगी, तो इन दोनों का एक ही सॉल्यूशन है 2 के बराबर। तो ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है? तो ध्यान रखना, ऐसे आता है तो ये ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखनी। क्लियर सबको? सर अगर -1 ले लिया तब तो -2 बन जाएगा। अरे तो अपन को तो 2 बनाना है ना, ठीक है? नहीं आ, वो अगर फंक्शन उसके रेसिप्रोकल में रखे तो -2 बन जाएगा। तो कहां पे -2 बनेगा? नहीं जब आप बताए ना फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या उससे बड़ा। यहां पे कंडीशन बोलो ना, a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रखना, तब नेगेटिव रखोगे तो पूरा ही नेगेटिव बन जाएगा। ओके सर, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कंडीशन कब होती है, जब a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। कोई भी अगर बोला था अभी मैंने, कोई भी पॉजिटिव फंक्शन है तो उसका सम उसके रेसिप्रोकल के साथ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है? ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर एक लास्ट है, नो सर। कौन सा वाला? ये वाला लास्ट है आपने। हाँ ये x को 0 कैसे रखें? नहीं यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि ये फंक्शन 2 से हमेशा कम होगा, ये फंक्शन 2 से हमेशा ज्यादा होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों 2 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? 2। तो ये जो फंक्शन है 4x + 1/4x, ये 2 के बराबर हो जाए। अच्छा ये जो क्वांटिटी होती है ना a + 1/a, ये हमेशा 2 से क्या होती है, ज्यादा होती है। 2 से क्या होती है, ज्यादा। अगर मान लो a पॉजिटिव है तो कोई भी नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से ज्यादा होता है। ये 2 के बराबर कब होता है, जब ये वैल्यू कितनी हो जाए, 1। ये वैल्यू कितनी हो जाए, 1। अब ये 1 कब होगा, ये 1 कब बनेगा, जब x की वैल्यू रखोगे 0, तभी ये 1 बन पाएगा, अदरवाइज ये 1 नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आप जब x को 0 रखोगे तो देखो 4 की पावर 0 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे भी 0 रखोगे तो एक ही सॉल्यूशन इसका क्या है, x इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर, आगे समझ। यस सर। तो एक यहाँ तक तो हो गया अपना। फिर मैं क्या कह रहा था कि हाँ एक क्वेश्चन अपना रह गया, उसको अपन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है। इसको अपन देखता हूँ इसको करने का कोई शॉर्ट तरीका होगा तो। बाकी इसके अलावा फंक्शन में लगभग चीजें अपन ने कवर कर ली है, ठीक है? आईटीएफ जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोग थ्योरी पढ़ के आना, आईटीएफ की एक ही लेक्चर रखेंगे, आईटीएफ के लिए ज्यादा लेक्चर नहीं लेंगे। ये पीडीएफ और पिछले क्लास की पीडीएफ भेज देना जल्दी। हाँ, मैं भेज दूंगा। ठीक। मैं ये कह रहा था कि आप है ना आईटीएफ का थोड़ा बेसिक फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पढ़ के आना, पढ़ लोगे? यस सर। अगली जो भी क्लास होगी उसके अंदर अपन ITF के डायरेक्ट PYQ सॉल्व करेंगे, इसी तरह के जो अच्छे लेवल 2022-23 के जितने भी अच्छे PYQ हैं उनको अपन ट्राई कर लेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपके एंड से आपको इतना करना है, बेसिक थ्योरी, आपके पास जो भी पुराने नोट्स हो या फिर जो भी PDF अभी मैंने अपलोड भी करी है किसी बुक वगैरह से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे बेसिक थ्योरी पढ़ के आ जाना, फॉर्मूले पढ़ के आ जाना, ताकि अपन डायरेक्ट अप्लाई कर ले। खैर अपन जब क्वेश्चन करेंगे उसमें रिवाइज तो करेंगे सही, लेकिन आप थोड़ा पढ़ के आओगे तो आपका थोड़ा फायदा हो जाएगा। और सबको क्लास अटेंड करनी है, चाहे क्लास क्वेश्चन हो नहीं हो, ठीक है? अच्छा दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको कहा था थर्मल फिजिक्स आपका मैं स्टार्ट करवाऊंगा, तो आज ग्रुप में मैसेज भी डाला था मैंने, 7:30 का है ना। हाँ ठीक है, आज आपकी केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी क्योंकि सर की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, तो उसके लिए फिर आज केमिस्ट्री की जगह वो आपका थर्मल फिजिक्स अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अब बाकी टाइम तो लेक्चर, देखो लेक्चर का जो स्लॉट है या तो वो मॉर्निंग में लगेगा या आफ्टरनून में लगेगा, तो थर्मल फिजिक्स के लगभग अगले 10 लेक्चर में कोशिश कर रहे हैं कि सर थर्मल और फ्लूइड ये दो टॉपिक आपके कवर कराएंगे, ठीक है? उसमें मैक्सिमम अगेन क्वेश्चन सॉल्विंग, मैंने उनको यही कहा है कि वो क्वेश्चन सॉल्विंग करवाएं, ज्यादा से ज्यादा बेसिक थ्योरी कवर करके क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दें। तो नेक्स्ट आपके जो 15 या 16 तारीख तक हमारा टारगेट ये है कि 15-16 तारीख तक आपका थर्मल और फ्लूइड हो जाए, तो उसका स्लॉट या तो 8:30 से मॉर्निंग में 8:30 से 9:30-10 तक रख सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में सुबह रख सकते हैं, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। फिर प्रैक्टिकल भी शुरू हो गए हैं हमारे 10 तारीख के बाद से।
रिकॉर्डिंग देख, 10 तारीख बाद है ना प्रैक्टिकल, तो 10 तारीख के पहले एटलीस्ट अभी 6 लेक्चर तो हो ही जाएंगे, उसके बाद हम सोचते हैं देखते क्या क्या जुगाड़ होता है. ठीक है ठीक है, तो 10 तारीख तक फिलहाल अपन एटलीस्ट अपने देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तब तक भी 8-9 लेक्चर हो जाएंगे, 7-8 लेक्चर हो जाएंगे. ठीक है, तो उसमें हम या तो 8:30 बजे रखेंगे या फिर 2 बजे, 2 से 3:30 या फिर 8:30 से 10. तो मॉर्निंग में ही रख रहे हैं सर का प्रिफरेबल मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में आपको कोई दिक्कत तो नहीं 8:30 बजे किसी को? नहीं सर। आपका स्लॉट मॉर्निंग में रहेगा, हर अभी हर दिन ये स्लॉट फिक्स रहेगा. आज की क्लास तो इवनिंग में है, लेकिन हर दिन से आपकी बाकी जितनी भी क्लासेस है अभी फिलहाल के लिए अपन 8:30 से 9-10 रखेंगे. उसकी रिकॉर्डिंग जैसे अगर लेक्चर मॉर्निंग में हो जाएगा ना, तो रिकॉर्डिंग में आफ्टरनून 2 बजे तक मैं अपलोड भी करवा दूंगा. तो अगर इनकेस किसी का मॉर्निंग में लेक्चर मिस भी हो जाता है तो 12 बजे बाद रिकॉर्डिंग से देख लेना. मैं कोशिश करूंगा कि 12 बजे तक आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए. क्लियर है? ओके सर. यस सर. तो आपके लिए मैं ऐसा ये कर सकता हूं कि रिकॉर्डिंग टाइमली अपलोड करवा दूंगा. हां और बोलो सर. प्रतीक सर की क्लास कब से होगी सर? बहुत मिस होती है सर. ठीक है ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूं. उनका एक क्या चल रहा था आपका हाइड्रो? यस सर. ऑर्गेनिक हमारा हो जाए. ऑर्गेनिक देखो, अगर ऑर्गेनिक का आपका कितना पोर्शन बाकी है देखो, फिलहाल अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग्स, मैंने आपको जो आपकी शीट है उसमें मंजीत सर की रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई, तो इनकेस अगर आपको लग रहा है तो आखिरी आखिरी के जो टॉपिक है पीछे पीछे के, वो आप खुद के एंड पे थोड़ा बहुत साइड बाय साइड करते जाओ. क्योंकि देखो जो 12th वाले बच्चे रहेंगे वो लोग अभी फरवरी मार्च में उनकी क्लासेस तो नहीं लगनी, क्योंकि वो लोग अपना बोर्ड्स की तैयारी करेंगे. तो उस समय आप लोगों की क्लासेस में अपन थोड़ी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके चीजें लग पाएंगे. लेकिन फिलहाल अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर आपको लग रहा है जैसे लास्ट के कुछ टॉपिक अगर रह जा रहे हैं तो आप उसको साइड बाय साइड टिक के करके रिकॉर्डिंग से देखते जाना. ठीक है, बाकी तो आपके हो ही चुका है, फिजिकल इनऑर्गेनिक हो चुका है, ऑर्गेनिक का कुछ पोर्शन हो चुका है. तो मेरे हिसाब से एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक ये बचेगा. ठीक है, तो वो ऑलरेडी आपकी जो शीट है क्रैश कोर्स वाली उसमें वो सारे लेक्चर अपलोडेड है, वन शॉट ही कराया सर ने, आपका कम टाइम में वो भी हो जाएगा. क्लियर है सबको? ड्रॉपर्स वाले बच्चे ठीक है वो अपना साइड बाय साइड करते रहना, और जो 12th वाले बच्चे हैं उनको मैकेनिक्स करना है रिकॉर्डिंग से थोड़ा थोड़ा. ठीक है, तो आपके 12th वाले बच्चे ड्रॉपर्स वालों का मैकेनिक्स ऑलरेडी हो चुका, तो 12th वाले बच्चों को आपको मैकेनिक्स करना है साइड बाय साइड अपने एंड पे. तो डेली का आधा आधा घंटे का लेक्चर मैकेनिक्स का करते, जो टॉपिक आपको लगता है कि जो इजी आपको लगता है वही करना, जो लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाया जैसे रोटेशन, अगर किसी को लगता है रोटेशन ज्यादा टफ है तो छोड़ देना, उसके बस एक दो फॉर्मूला पढ़ के ठीक है, मतलब बेसिक जितना एनसीईआरटी लेवल आता है ठीक है, मतलब ज्यादा डीप में मत जाना, आप समय ज्यादा बर्बाद मत करना. हाँ, लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर ये थोड़ा इजी है ये मैं कर सकता हूँ, तो उसके आप लेक्चर रिकॉर्डिंग देख के उस टॉपिक को फिनिश कर लो. मोशन इन 1D मोशन इन 2D अगर आपको लगता है कि मुझे करना है, मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, तो उसको आप कर लो. जो टॉपिक आपको लगता है टफ है उसको आप छोड़ देना. तो बस यही कहना है, फिजिक्स में जो 11th वाले बच्चे हैं, सॉरी 12th वाले बच्चे, उनको अपना मैकेनिक्स पोर्शन रिकॉर्डिंग से थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड करते रहना. कोशिश यही रहेगी कि सर से जैसे अभी आपका क्या चलेगा, ईएमआई एसी चलेगा, उसके बाद मेरे हिसाब से वे ऑप्टिक्स सर लेंगे. ठीक है ना, तो वे ऑप्टिक्स आपको हो जाएगा. तो मैकेनिक्स 12th वाले बच्चों आप लोग अपना करते रहना साइड, मतलब उस रिकॉर्डिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ ये फायदे के. और जो ड्रॉपर्स वाले बच्चे उनको अभी मैं प्रतीक सर को बोलूंगा अगले 10 दिन में जितनी क्लासेस पॉसिबल है वो ले लेंगे, लेकिन आप लोग भी थोड़ा बहुत जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है जितना आपको लगता है कि हाँ ये वाला एक दो लेक्चर हम देख सकते हैं तो आप वो रिकॉर्डिंग से देख लेना. क्लियर है? अरे बोलो आया ना. ठीक है ठीक है, रिसोर्सेस सारे अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से बस थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे का देख लो. ठीक है, वहां पे मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग शीट में सारे रिकॉर्डिंग्स आपके अपलोड कर दिए. ठीक है ओके, और बाकी अपना मैथ का है तो मैथ में अपन बस कैलकुलस साइड बाय साइड चलाते रहेंगे. ठीक है, टारगेट मेरा ये है कि 17-18 जनवरी तक जितना मैक्सिमम हो पाए उसके बाद फॉर्मूला रिविजन करवा देंगे 21-22-23 को. ठीक है चलो. Okay, sir. Thank you. Bye bye. Good night. Happy next day, sir. Bye, sir. Bye bye. Thank you, sir.